आप सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज मतदान का दिन है, तो सबसे पहले हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि अपने घर से निकले और मतदान अपने भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप मतदान करें। तो साथियों, अब हम हमारे गांव सुहासरा में जहाँ पे मतदान केंद्र है, हम आपको वहां ले चलेंगे। वहां पे आम जनता से, जनार्दन से हम आपकी बातें कराएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी काम कर रही है आज, उस वर्ग का काम कोई कुछ नहीं कर रही। राष्ट्रीय लेवल के बहुत अच्छे काम करे हैं, आर्मी के लिए तो उससे भी अच्छा काम करा है। आम जनता को आदर और भाव मिल रहा है। हम किसी की गलत कटाक्ष नहीं करेंगे, नहीं किसी बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे, नहीं किसी और का। हमें बीजेपी से मतलब, हम उसके मतदान कर रहे हैं और सुहासरा से अच्छा मतदान। तो साथियों, दादाजी ने देश की सेवा की है, तो दादाजी उस समय की फौज और आज के समय की फौज में क्या अंतर हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद? बड़ा रात दिन का अंतर कर दिया मोदी जी ने, रात दिन का अंतर कर दिया। हमारे टाइम तो पत्थर लगते थे, लुकना पड़ता था, आज पत्थरों वाले लोग गए, वो दिख ही नहीं रहे। पहले हमें दिल्ली से हुक्म मिलता था, दिल्ली से हुक्म मिलता था, लेकिन अब हुक्म हमारे हाथ में। इतना फर्क कितना होगा, बड़ा रात और दिन का गैप होगा। तो वोट की चोट के हिसाब से ये जो निरंतर प्रयास हो रहे हैं, निरंतर बदलाव हो रहे हैं, ये वोट की चोट से हो रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में? हाँ, ये यही बात है, बिल्कुल सही आपकी बात। तो आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो बताओ। हम बीजेपी के गुणगान करेंगे, इससे फालतू क्या करें। सुहासड़ा गांव से बीजेपी को जिता के दिखा दे, बिल्कुल अच्छे वोटों से जिताएंगे। अगर नजदीक मेरे पास छोटे भाई जिला पार्षद खड़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है गांव के अंदर। जो बीजेपी वर्कर है वो लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए और शाम तक लगे रहे। जब लगे एक एक वोट, बूढ़ा गरीब कोई भी है उसका, हम एक एक वोट यहां पर गिरवा के मतदान होने के बाद में फिर ही कर सकते। तो साथ ही जिस प्रकार से दादाजी ने हमें बताया, अब चेयरमैन साहब इन्होंने भी खूब मेहनत की है, बिल्कुल ये एक गरीब परिवार से है और दिन रात मेहनत की, पूरे गांव राव ने मेहनत की, इनको वार्ड नंबर 19 से पार्षद बनाए और अब ये उप चेयरमैन भी हैं। तो इनसे हम बातें करते हैं। आइए, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में। देखो, आज की जो भारत की, जो जनमानस की, भारत के नागरिक की हम बात करें तो सभी, पूरे देश में एक लहर है, वो लहर मोदी लहर है। और मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में किया है वो पिछले 70 सालों में भी नहीं हो पाया, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में लगाओ, चाहे गरीब के किसान की और मजदूर की आवाज उठाने की लगाओ, चाहे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे इंफ्रा की बात करें, रेलवे की बात करें, रोड की बात करें, और हम चाहे एयरक्राफ्ट की बात करें, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन करके भारत को एक नई दिशा दी है। भारत का पूरे विश्व में डंका बजाया है मोदी जी की बदौलत से। हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व के 5वें नंबर पे आ गई है और इस बार भी पूरे भारत की जनता मोदी जी को 400 पार के नारे के साथ पूरे बहुमत से संसद में बैठाएगी। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए देश को एक नई दिशा देंगे, ताकि देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो और एक विश्व शक्ति बने और विश्व शक्ति के रूप में देश पूरे विश्व का, हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे विश्व का एक संदेश दें, पूरे विश्व को एक नई दिशा दें। और भारत की जनता है वो पूरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और हम, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, चाहे वो बूथ लेवल की बात करें, चाहे हम पन्ना प्रमुख लेवल की बात करें, हमारे किसी भी गांव, किसी भी शहर से आज मोदी जी 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे हम यूपी की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, यहाँ उत्तर भारत से, चाहे दक्षिण भारत की बात हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र से आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आने वाले टाइम में मोदी जी को पूरे बहुमत के साथ हम संसद में बैठाएंगे, ताकि देश का विकास हो, देश विकसित देशों की श्रेणी में आए। तो साथियों, भारत तो छोड़ो, हम, हमारे जो मोदी जी हैं पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। अब भारत में हरियाणा, हरियाणा में हमारा गांव सुहासरा, हमारे गांव सुहासरा में एक अंडरपास, जो कि नगड़ा के रास्ते अंडरपास का जो काम शुरू होने जा रहा है, वो हमारे गांव की सबसे पहली मांग है।
और जैसे कलोट, छोटी कलोट, बड़ी कलोट रास्ता जो कच्चा है, तो चेयरमैन साहब जी ये बताइए, आप जो अंडरपास का काम शुरू किया है उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाह रहे हो? जैसे कि बहुत पुरानी मांग थी हमारी, पिछले 1.5 साल के दौरान गांव में 2 मेन योजनाएं आई हैं। एक योजना है वो जो जितने भी हमारे तालाब हैं, जोहड़ हैं, उनको भरने की योजना आई है, जिसका अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ के आसपास चौधरी जेपी दलाल साहब, जो हमारे पहले कृषि मंत्री रहे हैं हरियाणा के और आज वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया और 7 करोड़ की वो योजना है जो हमारे गांव के 8 तालाबों को भरेगी। दूसरी, हमने हमारे गांव की पुरानी डिमांड रही है पिछले 40 साल से कि हमारे पास गांव की आधी जमीन रेलवे लाइन के दूसरी पार है, उसके अंडरपास की जो मांग थी वो भी हमारे वित्त मंत्री चौधरी जेपी दलाल साहब ने पूरी की और वो काम भी चल रहा है। कुछ चीजें और हैं, 2 रास्ते भी अप्रूव हुए हैं 4 करोड़ के। गांव में जो मेन जो कॉमन डिमांड है, जो सार्वजनिक डिमांड है, उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस है और हमारे यहाँ के विधायक जेपी दलाल साहब और हरियाणा के वित्त मंत्री का भी पूरा फोकस है। आने वाले टाइम में जो छोटी छोटी और डिमांडे हैं हमारे गांव की, वो भी जल्दी पूरी कर दी जाएंगी और जो विकास लोहार हल्के का इस 5 सालों में हुआ है वो पिछले 40 सालों में भी नहीं हुआ है। चौधरी बंसीलाल के द्वारा बनाई हुई नहरों में पानी अब सुचारू रूप से आया है, वो जेपी दलाल साहब ही लेके आए हैं। धन्यवाद जी, साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, हमारे देश को सदृढ़ समृद्ध बनाने के लिए हम आज मतदान कर रहे हैं, उसी उपलक्ष में हम हमारे गांव सुहासरा में अपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुहासरा में वोटिंग चल रही है, तो हम आम जनता से कुछ बातें करेंगे। तो प्रवीण भाई साहब हैं, काफ़ी युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ चल रहा है कुछ बताएं? सुबह से मतलब वोटिंग है, जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सुबह से अपनी वोटिंग के लिए आ रहे हैं। एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह इसको बनाया जा रहा है और सभी के मन में उत्साह है कि भाई वोटिंग करें हम। और अब भी आप देख सकते हो बहुत पब्लिक आ रही है, यहाँ पे व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था है उनके लिए, हवा के लिए कूलर लगा रखे हैं, खाने की व्यवस्था है, मतलब जो भी है सभी में उत्साह है वोटिंग के लिए, ये है। और सभी मतलब ये चाहते हैं कि ऐसा कोई हम पीएम को चुने जो हमारी समर्थ हो और जो हम जो हमारी आवाज़ है उसको उठा सके। ये यहाँ की जो स्थिति है फिलहाल की यही है सर, और सभी के अंदर उत्साह है, सभी अपने जोश के साथ वोट ज़्यादा से ज़्यादा गिरवाने की अपील कर रहे हैं। जैसे कि अब बता रहे हैं कि 1000 से 800 वोट अभी तक गिरे हैं, समय हो गया शायद 11:30-12 के नज़दीक समय होगा, कितने कुछ वोटों का अनुमान लगा रहे हो आप यहाँ से? नहीं, वोट किसके? बीजेपी के। बीजेपी के जी बता दो। देखो अभी फिलहाल की देखो 800 हैं, तो उसके अंदर से ये सोचिए कि सर 700 के आसपास, तो क्योंकि एक तरफा माहौल है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो वॉइस चेयरमैन हैं, क्या नाम है इनका, संजय जांगड़ा जी, तो वो क्या है कि उन्होंने भी सुबह से बहुत मेहनत कर रखी है, आते उनको निशान को भी समझा रहे हैं कि हाँ, और ये सरपंच साहब हैं और भी जो वर्कर हैं सभी मतलब अपनी मतलब जो भी है सिंबल समझाना है किसी को, बाहर से लेके आना है तो वो वहीं से उनको बीजेपी का जो भी सिंबल है, जैसे 2 नंबर के ऊपर धर्मवीर है, सभी को पता है कि भाई पार्टी सिर्फ एक ही बची है वो भी बीजेपी है, और इतना कुछ खास यहाँ पे कांग्रेस का ये वोटिंग है नहीं। तो साथियों, दमखम सभी लगा रहे हैं, आपको सभी को पता है, और हमारे यहाँ से ज्यादातर श्री धर्मवीर जी जो आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आइए अब धीरे धीरे, जैसे पोलिंग बूथ है आसपास में, हम सभी से बातें करते हैं, तो आइए चलते हैं। रोकती हूँ तो अपने गांव सुहासरा, जो बहुत ही ज्यादा वोट है यहाँ पे और बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छे भी काम किए हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ दर्शकों को। ऐसा है कि सबसे पहले तो ये हमारा लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा पर्व है, इसमें लोग सब अपने वोट को ज्यादा से ज्यादा मत करने के लिए सुहासरा गाँव के हर एक युवा, बड़े बुजुर्ग अपना वोट कर रहे हैं। और हम जब मोदी जी की बात आती है तो एक हर एक युवा के में जोश आता है कि हम विकास की बात आती है, तो इसी प्रकार सुहासरा गांव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, चाहे वो
बिना खर्ची बिना पर्ची के जॉब की बात करें हम लोग, या कोई रोड की बात करें, या हम अंडरपास की बात करें, अंडरपास की एक बहुत बड़ी कहानी है जो सभी गांव वाले हर एक आदमी जानता है। इसके अंदर ये 17 साल से अंडरपास बनना था, गांव की आधा से ज्यादा जमीन अंडरपास के दूसरी तरफ लगती है, जो लोगों को आने जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। आज ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे बीजेपी ने किया है। दूसरी बात है, उससे जो सबसे बड़ा काम किया है कि जोड़ों के अंदर पानी डालने का काम, लाइनों से क्रॉस हम जैसे ही करते हैं उधर जो पानी का जो लेवल है वो 400 से 500 फुट नीचे जा चुका है, तो वहां पे लोगों के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में है। तो उसको देखते हुए हमारे मंत्री जी, हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना ला के नहरों में पानी डालने का जो उनका जो प्रोजेक्ट है, जिससे हमारा पानी का स्तर बढ़ेगा और वहां के बच्चों को और वहां के आने का भविष्य सही रहेगा। मतलब जी, आज का जो मतदान है, जो मतदाता आ रहे हैं, उनमें किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है, जोश है? रुझान हम सुवांसड़ा गांव के आसपास के एरिया की बात करें, सुवांसड़ा की बात करें, और आज मैं खुद भी सुबह से ही मतलब लगा हुआ हूँ, हर एक जो भी कैंडिडेट आता है, जो भी एक छोटा बुजुर्ग आता है, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका सभी का यही कहना है कि बाद में हम जैसे भी थोड़ा बहुत उनसे चर्चा होती है, बोला कि हमें मोदी जी को सपोर्ट करना है, मोदी जी को मजबूत करना है, एक बार फिर मोदी सरकार को लेके आना है। आपका कहना यही है कि हर हर मोदी घर घर मोदी? बिल्कुल, हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी की गारंटी सबको, हर एक युवा उस गारंटी को समझता है, उनको विश्वास है कि हमारा भविष्य अगर कोई सुधार सकता है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी सुधार सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। सर कट करें तो साथियों, सरपंच साहब हमारे काफी युवा सरपंच है गांव के, आज तक सबके सबसे युवा सरपंच रहे हैं और हैं ही, इनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो सरपंच साहब बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में, आप सरपंच हो, गांव के मुखिया हो, क्या कुछ काम हुआ है गांव में, आगे क्या काम करवाओगे, कुछ थोड़ा बहुत बताइए। राम राम सभी को भाई साहब। हमारे गांव में बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारी वर्ग के एससी के इतने बच्चे लगे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। 2014 से पहले आज तक गांव में देखते थे तो 2-4-5 कुछ कुछ आदमी दिखते थे, भाई वो फलाना वहां लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है। और 2014 से जिससे मोदी सरकार आई है, जिससे लेके कोई अनगिनत बालक लगे हैं जिसके पास पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची जो गरीब के थे उसमें 2-2 बालक लगे हैं। हम बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश हैं, और हमारी नहर बिल्कुल सूखी थी, माने कभी बचपन में नहीं देखा था पानी, वो आज तक ऊपर तक चलती है। और बीजेपी है जो हमें अच्छी वोट से ले देंगे हम यहाँ से सोहाड़ा से धर्मवीर को। जैसे जी आज पोलिंग हो रही है, काफी अच्छी पोलिंग चल रही है, तो आपका क्या अनुमान है अपने गांव से, थोड़ा बहुत कुछ अनुमान बताएं? हमारे गांव से बीजेपी के 70% वोट लिख रहे हैं सर। धन्यवाद जी। भाई बताओ भाई साहब, कौन भाई साहब कुछ? बीजेपी सरकार जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत काम करवा रखे हैं, नहरों रिमोडलिंग करके पानी आना, गांव में सर्विस देना सरकारी, और गांव में अनेक विकास जैसे सड़कें बनवाना गांव के चारों तरफ से, और एक रेलवे फाटक क्रॉसिंग जो कि बहुत वर्षों से काफी लंबित मांग थी है, ये हमारी अब ये पूरी हो चुकी है और इस पे भी काम शुरू हो चुका है। बीजेपी जीत रही है, कम से कम 2000 वोटों प्लस से जीते ही हम यहाँ सुहाड़ा में लीड देंगे, कम से कम 2500 वोट देंगे बीजेपी को यहाँ से लीड, और बाकी हाथ हूथ का को लिया काम यहाँ से, कोई कांग्रेस पिटगी जमी, और एक खाट खूट आई है वो भी ऐसे ही है, खाट टूट गई, ठीक है। हाँ, ये है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी हर हर। ले
अच्छे अच्छे मतदान हो रहा है। पूरी हमारे चेयरमैन साहब ने अपनी पर्सनल गाड़ी मतदाता की ये सेवा में लगा रखी है और जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काफ़ी अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों साइड दोनों साइड कितने लड़ाई कर रहे हैं।